Hello dear student, I am teacher of class 11. Today I am going to teach you Hindi chapter 5 part 2 exercise. चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर हमने रीड कर चुके हैं, अब हम वोकैबुलरी लर्न करेंगे. इसके शब्द मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार और बताती जाती हूँ. निर्धन मीन्स गरीब, आदर मीन्स इज्जत, निधन मीन्स मृत्यु, निधन मीन्स मृत्यु यानी खत्म हो जाना, संकट मीन्स मुसीबत, प्रण मीन्स प्रतिज्ञा, अवसर मीन्स मौका, प्रभाव असर, अनुमान अंदाज, और आंदोलन लड़ाई, मिसाल उदाहरण, मिसाल का मीन्स क्या है उदाहरण, सम्मान आदर, महान बड़ा, दिल पसी जाना दया आ जाना, दिल में घर कर जाना मन में अच्छी तरह बैठ जाना, और सिर आंखों पर लेना आदर के साथ स्वीकार करना. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर. क्वेश्चन आंसर को हम देखिए रीड करेंगे. लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, नोट्स में सारे अवेलेबल है, पूरे पूरे आंसर आपको पूरा पूरा जवाब देना है, जैसे मैम ने लिख दिया छोटा सा वैसे नहीं लिखना है. लाल आपको पूरा क्या लिखना होगा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था. लाल बहादुर शास्त्री ने दहेज में कौन सी दो चीज़ें स्वीकार की थी, कौन सी चीज़ें मांगी थी उन्होंने, एक चरखा मांगा था और एक थान खादी का कपड़ा मांगा था. तो आंसर कैसे लिखोगे, लाल बहादुर शास्त्री ने दहेज में, पूरा आंसर लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने दहेज में एक चरखा और एक थान खादी का कपड़ा मांगा था या स्वीकार किया था. नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्री की परीक्षा कहाँ से पास की थी, उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी शास्त्री, उसकी परीक्षा उन्होंने कहाँ से पास की थी, तो काशी विद्यापीठ से उन्होंने पास की थी. आंसर क्या लिखेंगे, पूरा आंसर, लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्री की परीक्षा काशी विद्यापीठ से पास की थी. लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को क्या सिखाया, क्या सिखाया था, कठिनाइयों से जूझना और जीतना, पूरा आंसर देना है, लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को कठिनाइयों से जूझना और जीतना सिखाया. नेक्स्ट, अब आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन. लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम क्या था, क्या था, माता प्रसाद श्रीवास्तव या शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, क्या नाम था, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, राइट आंसर. नेक्स्ट, पिता के निधन के समय लाल बहादुर शास्त्री की उम्र कितनी थी, कितनी उम्र थी उसकी, 2 साल से भी कम, तो ये टिक कर लिया. नेक्स्ट, किसके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री बने, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने किसके बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, है ना. चलिए नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी उनकी मृत्यु, 11 जनवरी 1966 को. अब आते हैं, ये भी प्रश्नोत्तर हैं, ये इनको आपको मतलब फिल करना है. लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम क्या था, पिता क्या काम करते थे, क्या काम करते थे, लाल बहादुर शास्त्री के पिता एक स्कूल में निर्धन शिक्षक थे. अगर आपने बुक लर्न की थी ना, वो रीडिंग की थी, तो आपको आंसर देना भी आएगा, प्लस नोट्स में भी अवेलेबल है. लाल बहादुर शास्त्री के विवाह किसके साथ हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का विवाह, विवाह मीन शादी किसके साथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ था. भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कहाँ हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता ताशकंद में हुआ था, ये जगह का नाम है. ओके, अब आते हैं ट्रू फॉल्स यानी कि राइट रॉन्ग. राइट रॉन्ग पढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम क्या, नाम राम दुलारी देवी था, हाँ था, राइट. गांधी जी का लाल बहादुर शास्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रॉन्ग, प्रभाव पड़ा था, तो क्या आएगा, क्रॉस. माली जी की बात लाल बहादुर शास्त्री के दिल में घर कर गई थी, हाँ घर कर गई थी ना, राइट. आज़ादी के आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री एक बार जेल गए थे, हाँ गए थे, राइट. लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बहुत सादा था, हाँ बिल्कुल सादा था, राइट. आप क्या करना है, एक से अनेक बनाना है, यानी कि एक चीज़ है आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना है, बच्चा का बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए, लड़का एक है लड़के, रास्ता रास्ते, कपड़ा कपड़े. अब कुछ मुहावरे आ गए, मुहावरे का मतलब होता है कुछ बातें हम अपनी बातों से बोलते हैं, जैसे कि दिल पसी जाना, दिल पसी जाने का मतलब क्या हुआ, दया आना. तो अब इसी को हम वाक्य में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री के रोने पर माली का दिल पसीज गया. नेक्स्ट, दिल में घर कर जाना, अभी बताया था मैंने, दिल में घर कर जाना अच्छा लगना या मन को अच्छा लगना. माली की बात लाल बहादुर शास्त्री के दिल में घर कर गई, इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है. सिर आंखों पर लेना यानी कि आदर के साथ स्वीकार करना, कोई भी बात जल्दी से मान लेना, बहुत स्वीकार मतलब आदर के साथ स्वीकार करना. तो आंसर क्या आएगा, इसका वाक्य कैसे बनेगा, देश के लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की बातों को आंखों पे वो बातों को सिर आंखों पर लिया. आपके नोट्स में भी अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं. ओके, चलिए, थैंक यू.